हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल डिस्कस करते हैं, सोशल इशू से जुड़ा हुआ एक सवाल है। तो ये जैसे क्या बताता है हमें, वो कह रहा है कि सवाल हमसे पूछते हैं कि इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव अ पॉपुलेशन पॉलिसी, येट इट हैज़ द मैक्सिमम पॉपुलेशन टूडे। ठीक है, वो कह रहे हैं सबसे पहले हमने पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई दुनिया में, उसके बावजूद हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी है। एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अप्रोच ऑफ इंडिया एंड चाइना इन टैकलिंग पॉपुलेशन चैलेंज। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, सिंपल से तीन तरह से आपको पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है। पहला पार्ट है कि जिसे जो हम अगर हम फर्स्ट कंट्री थे तो हमें बताना है कि हम फर्स्ट कंट्री हमने क्या किया। ठीक है, एक पार्ट ये रहेगा इसका, मैं आपको समझाता हूँ फटाफट से और थोड़ा फ्रेमवर्क में मॉडल में जाता हूँ समझाना ताकि थोड़ा याद भी रहे। एंड देन सेकंड पार्ट में बताना है हमने कि किस तरह से इंडिया एंड चाइना ने इसको टैकल करने की ट्राई करी, इंडिया वर्सेस चाइनाज अप्रोच। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। एंड देन उसके बाद फाइनली थोड़ा सा अगर हम सजेस्ट करना चाहें तो हम वे फॉरवर्ड एटसेट्रा भी हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके साइड में पैरेलली अगर नोट चाहें बनाना बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा फ्रेमवर्क समझिए। ठीक है, देखो फर्स्ट कंट्री में ऐसा है कि आज़ादी से पहले 1940s में ही हमने यहाँ पर पॉपुलेशन पॉलिसी बनानी शुरू कर दी थी। उसके बाद अगर याद रह जाए तो धेबर कमीशन के बारे में याद रख सकते हैं कि हमने धेबर कमीशन भी बिठाया। लेकिन सभी में यहां पर जो बात हुई वो बात क्या हुई, यहां पर कहीं जहां पर भी जो है वो वॉलंटरी अप्रोच की बात हो रही है कि हमें हम कह रहे हैं कि वॉलंटरली आबादी कम की जाए, लोगों को हम प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। ठीक है, तो उसके बाद लेकिन ये वॉलंटरी अप्रोच काम नहीं करती। ग्रेजुअली देखते हैं हम कि हम जो 70s की तरफ बढ़ते हैं, जब हमारे देश में 1970s में इमरजेंसी लगाई जाती है, तो दोस्तों उसके बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उस दौरान काफ़ी एक्सेसेस हुए कि ना, जैसे अब हम क्या बोलते हैं कि मैसेक्टमी वैसेक्टमी जिसको नसबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो वो वैसेक्टमी वगैरह बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पर हुआ। ठीक है, तो वैसेक्टमी का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, उस एक्सेसेस मतलब काफ़ी अत्याचार टाइप माना जाता है। तो उसके कारण हुआ क्या, बहुत से लोग खफा हो गए, बहुत से लोग सरकार से खफा हो गए कि जैसे बिल्कुल पकड़ पकड़ के नसबंदी कराई जा रही थी, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा। तो उसके बाद जब री इलेक्शन होते हैं तो कांग्रेस सरकार बहुत बुरी तरह हार जाती है। तो उसके बाद होता क्या है कि सभी जो भी फर्दर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, उन सभी गवर्नमेंट्स ने ये एक्सेस या फिर जो क्या था कि गवर्नमेंट ओरिएंटेड अप्रोच को छोड़ दिया कि गवर्नमेंट अब किसी को फोर्स नहीं करेगी। ठीक है, कि गवर्नमेंट फोर्स नहीं करेगी, उसके बाद से ये स्लिपरीज रूप पे चलते गए हम। और ऐसा था कि वॉलंटरी जो अप्रोच थी वो वापस आ गई। ठीक है, कि अपने आप जो किसी को अगर नसबंदी करवानी है या फिर जो भी करना है उस पर्टिकुलर अप्रोच पर वापस आ गया, तो फर्स्ट कंट्री था। लेकिन कुछ हमने बीच में ऐसे जो हमने कुछ पीरियड्स देखे तो जिसके कारण ये वाला जो हमारा बिल्कुल स्लिप होता गया। एंड अब हो क्या रहा है, इंडिया वर्सेस चाइना की अगर हम यहाँ बात करें, है ना, जैसे भी हम बात करें तो यहाँ पर अभी वही है कि अगर वो चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री है तो इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें, चाइना का तो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गया, इंडिया का अभी हम देखें तो 2.3 के आसपास है टोटल फर्टिलिटी रेट, कि अभी भी एक औरत अप्रॉक्सीमेटली 2.3 बच्चे पैदा कर रही है या फिर एक कपल 2.3 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1, तो मतलब दैट मीन्स 2.1 से अगर हम ऊपर हैं तो हमारी आबादी अभी बढ़ेगी और जब तक कम नहीं हो जाएगा। लेकिन आप यहां पर बता सकते हैं जब चाइना से कंपेयर करें तो यहां पर आप बता सकते हैं कि यहां पर इंडिया में बहुत जो चाइना की अप्रोच रही, चाइना की अप्रोच काफी जो ऐसे थी कि उन्होंने जो सिर्फ दो ही तरह से डिवाइड किया अपनी पॉलिसी को, रूरल एंड अर्बन। रूरल एरियाज में दो बच्चे करने अलाउड थे, एंड उसके बाद आपको सरकारी बहुत सारी जो डिसप्रिविलेजेस फील जो आपको मिलती थी, अर्बन एरियाज में एक। ठीक है, अर्बन एरियाज में सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता था। ठीक है, तो इसको वन चाइल्ड पॉलिसी का नाम दिया गया, जो अर्बन एरिया में वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, इंडिया में ये अभी भी वॉलंटरी ही चल रहा था। एंड देन उसके बाद देखा गया इंडिया में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वाइड वेरिएशन है, तो आप ये वाली बात लिख सकते हैं कि वाइड वेरिएशन है सिंस यहां पर कॉमन पॉलिटी इस तरह से एप्लीकेबल नहीं थी। तो ये अलग अलग तरह से देखने को मिला हमारे देश में कि कैसे जैसे रीजन वाइज हमारा जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ज्यादा वेरी करता है। किसी किसी रीजन में ये इट इज मोर देन 3.4 एज वेल। ठीक है, एंड कहीं पर इट हैज फॉलन डाउन 2 से भी नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखने वाली है। एंड देन उसके बाद रीजन वाइज वेरी करता है। देन सेकंडली आप बता सकते हैं कि रिलीजन वाइज बहुत वेरी करता है। ठीक है, एंड देन आप बता सकते हैं एजुकेशनल स्टेटस किसका, एक तो पूरे परिवार का, एंड देन एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द वुमन। ठीक है, जो वुमन का एजुकेशनल स्टेटस है उस पर बहुत मैटर करेगा। देन इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत वेरी करता है। जैसे देखा गया है कि जैसे जैसे जो प्रॉस्पेरिटी या पर कैपिटा इनकम बढ़ता है किसी परिवार का, तो वहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न कम होते जाते हैं। एंड देन एक और यहां पर जो बात है वो है वर्किंग वुमन की, अगर जब जहां पर वर्किंग वुमन है या फिर जो हम मैरिज की एज डिलेड है, मैरिज की एज जहां पर डिलेड है, वहां पर देखा गया कि बच्चे जो है रिलेटिवली कम पैदा होते हैं। ठीक है, तो
इसी बात को अगर थोड़ा ध्यान रखें कि जो पॉलिसी अगर हमने बनानी है वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं, तो हमें यहाँ पर ये बातों को थोड़ा जो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। चाइना से कंपेयर कर रहे हैं तो चाइना में एक तो है कि जो सरकार की अगर तरफ से देखा गया कि सरकार ने काफ़ी अग्रेसिवली पुश किया एंड गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स दोनों थे। इंडिया में अभी वॉलंटरी अप्रोच चल रही थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप बताएंगे कि यहाँ पर जो कल्चरल आस्पेक्ट था, जो कल्चरल आस्पेक्ट को थोड़ा पीछे रखा गया, इंडिया में कल्चरल आस्पेक्ट वॉज स्टिल वेरी मच प्रेवलेंट, ठीक है। कल्चरल आस्पेक्ट क्या बोलता है, देखो मैं कल्चरल आस्पेक्ट को समझाने की ट्राई करता हूँ फटाफट से, कि जब भी कभी देश डेवलप होना शुरू होता है तो उस कंट्री की डेथ रेट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करती है, ठीक है। डेथ रेट ड्रॉप करती है, उससे क्या होगा, डेथ रेट ड्रॉप करने से क्या होगा कि जो लोग जो है उनकी लाइफ लंबी होती जाएगी, लॉन्जिविटी, जो बच्चों की मोर्टैलिटी रेट एटसेट्रा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन कल्चरल हमें हमारे को क्या बताता है, कल्चर हमें कि लेट्स से कि पहले हमारे यहाँ पर जैसे 5 बच्चे पैदा होते थे उसमें से 2 मर जाते थे, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड मोर्टैलिटी बहुत, इन्फेंट मोर्टैलिटी बहुत हाई थी, तो 2 मर जाते हैं, इफेक्टिवली 3 बचे। तो इसीलिए वो जो कल्चरल आस्पेक्ट क्या है कि 5 बच्चे परिवार में होने चाहिए, 3 बच्चे परिवार में होने चाहिए, ठीक है। तो उस कारण से क्या हुआ, वो चलता रहा, ठीक है। तो अपने पहला अपने ये बताना कि कल्चरल आस्पेक्ट है, चाइना इसको विटनेस नहीं करता, ठीक है, कि अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। देन आपने जैसे जो बात बतानी है, ठीक है, कि किस तरह से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, चाइना ने पर्टिकुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे एक मुहिम चलाई, गली गली में कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल थे, हमारे यहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर भी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर रादर अवेलेबिलिटी का इशू, आपने ये बात बतानी है, अवेलेबिलिटी का इशू एज वेल एज क्या हमारा यहां पर टेबू भी था, ठीक है, कि टेबू भी है कि कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज नहीं किए जा रहे, ओके। देन ठीक है, आपने कल्चरल एस्पेक्ट के आगे देखा, कॉन्ट्रासेप्टिव वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, इसको नोट करना। एंड देन उसके बाद आपके यहां पर टेबू की अगर बात कर रहे हो तो आप यहां पर एक और बात भी करेंगे, अबॉर्शंस, ठीक है। अबॉर्शंस को लेकर हमने जो लॉ बनाए वो लॉ जो प्रमोट नहीं करते थे, रादर वो डिस्करेज करते थे अबॉर्शन को करना, ठीक है। एंड देन उसके बाद चाइना ने इस पॉलिसी को जो नहीं अपनाया, अबॉर्शंस को काफी वहां पर इजीली अवेलेबल थे। एंड देन उसके बाद आप बात कर सकते हैं सन मेटा प्रेफरेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सन मेटा प्रेफरेंस वैसे पूरे साउथ एशिया में देखा जाता है, लेकिन स्टिल जब वहां पर पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी आ गई तो चाहे सन था चाहे वो डॉटर थी, उसको क्या था, आपको वही एक्सेप्ट करना था, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां पर क्या था कि सन मेटा प्रेफरेंस है, हमें इको सर्वे बताता है, उसके कारण हमारे यहां पे बहुत सारी अनवांटेड डॉटर्स भी पैदा हुई, ठीक है, जो कि पेरेंट्स को नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये एक सोशल इशू था, इसीलिए जब तक सन पैदा नहीं हुआ तब तक वो बच्चे पैदा करते गए, ठीक है, क्योंकि अबॉर्शन अलाउड नहीं था। एंड जो और बहुत सारे जो कि इवन कि अगर आपको जैसे अपने वूम्ब में गर्भ में पता करना है बच्चा कौन है, कि लड़का है लड़की, वो भी अलाउड नहीं था, ठीक है। तो इसी कारण से अनवांटेड डॉटर्स का नाम दिया गया इनको, तो ये भी पैदा होती गई, ठीक है। तो इस कारण से हुआ क्या, ये सभी जो कल्चरल एस्पेक्ट से बात निकलती है कि कल्चर काफी डिसिमिलर था, जो लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। तो इस कारण से हमारे देश का जो अभी भी TFR बहुत हाई नजर आता है। तो अगर आप वे फॉरवर्ड इसका सजेस्ट करें कि वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, तो आपने जो यहां पर ये पॉइंट देखे हैं, ये वाले पॉइंट्स को आप दोबारा बता सकते हैं कि किस तरह से आप रीजन वाइज अप्रोच कर सकते हैं, जहां पर हाई TFR है तो वहां पर सरकार इंसेंटिव्स या डिसइंसेंटिव्स देकर जो TFR को लो कर सकती है। देन रिलीजन वाइज आप टैकल कर सकते हैं कि जब जहां पर जिस रिलीजन में आपको नजर आता है तो उस रिलीजन के पर्टिकुलरली आप जो उस जो किन इलाकों में या क्या एजुकेशनल स्टेटस है उसके हिसाब से आप उनको टैकल कर सकते हैं। एंड इसमें रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आपको जैसे जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो मुहिम चल रही है, उस मुहिम को भी आप अग्रेसिवली और परसू कर सकते हैं। एंड जो उसमें अपने कम्युनिटी के लीडर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, कम्युनिटी लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व कीजिए, हाँ सिविल सोसाइटी वाला पॉइंट तो हर जगह होना चाहिए, को इन्वॉल्व कीजिए। तो उससे क्या होगा आपका कि ओवरऑल जो अगर आपको जो सन मेटा प्रेफरेंस है ग्रेजुअली वो कम होती नजर आएगी, ठीक है। तो उसके कारण अगर आपके घर बेटी हुई है तो दैट शेल बी सेलिब्रेटेड, तो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अवेलेबिलिटी शेल बी वेरी है ना जो ऐसे इजी, एंड जो टेबू है इसका वो रिमूव करना है कि टेबू नहीं होना चाहिए कि आपने कि ये क्या कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं दिमाग में रखने हैं, चाइना से कंपेयर करने को पूछा जाए, वे फॉरवर्ड हमेशा सजेस्ट करना है, इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल, लेकिन इसको स्ट्रक्चर में बांध के अगर आप ट्राई करने के जो उसको बांध के अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो इजीली अटेम्प्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये अपने और विमेन का एजुकेशन का स्टेटस, विमेन की मैरिज की एज डिले करना एक्सेट्रा, ये सब पॉइंट मेंशन कीजिए और आपका आंसर बहुत ही अच्छा आंसर बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले जो सवालों के साथ बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।